हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट LDC में जो टाइपिंग आएगी उसके बारे में। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से टाइपिंग करना, आपकी टाइपिंग की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने किस तरह से 60-70 की स्पीड बना ली थी टाइपिंग में, उसी तरीके से मैं आपको सारा सब कुछ बता कर चलूँगा। जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे वैसे टाइपिंग करना, अपना दिमाग मत लगाना, अपना दिमाग एक बार साइड में रखना। जैसे जैसे मैं बताऊं उस तरह से करना, आपकी स्पीड अपने आप अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। सबसे पहले हम इंग्लिश की टाइपिंग सीखेंगे। इंग्लिश में जैसे हमारी थोड़ी स्पीड हो जाएगी, 20-25 की स्पीड हो जाएगी, उसके बाद में हम हिंदी की टाइपिंग भी सीखना शुरू कर देंगे। अब जिनको टाइपिंग पहले से थोड़ी बहुत आती है, 30-35 की स्पीड है उनकी, उनको भी मैं बताऊंगा वो क्या करें। पहले हम उनके बारे में बात करेंगे जिनको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती, जीरो से शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आपको टाइपिंग लैपटॉप पे नहीं करनी, टाइपिंग आपको कीबोर्ड पे ही करनी है। अगर आप लैपटॉप में कीबोर्ड लगा कर करते हो तो अच्छी बात है, बल्कि आपको टाइपिंग कीबोर्ड पे ही करनी है। कीबोर्ड कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक कीबोर्ड रख लो। एग्ज़ाम तक हम सारे कीबोर्ड पे टाइपिंग करके चलेंगे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप कोई भी कीबोर्ड रख लो, उस पर टाइपिंग करनी है। अब उस पर हाथ कैसे रखने हैं ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको अच्छी पोजीशन में बैठना है, चेयर पे बैठना है, और जो आपकी टाइपिंग का जो चेयर का लेवल हो वो सही होना चाहिए। आप घर पे भी टाइपिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका लेवल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हाथ ऊपर हो रहे हैं, हाथ बहुत ज़्यादा नीचे हो रहे हैं, या आप बेड के ऊपर बैठ के टाइपिंग कर रहे हो, इस तरह से नहीं करना है आपको। अच्छी पोजीशन में बैठना है, उससे टाइपिंग करनी है। दूसरी बात, आपके जो हाथ हैं वो आपको टाइपिंग करते टाइम नीचे चिपका के नहीं रखने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ नीचे चिपका के रख लेते हैं, फिर उसको इस तरह से टाइपिंग करते हैं, हाथ पूरे नीचे चिपका देते हैं, इस तरह से टाइपिंग करते हैं। इससे क्या होता है, स्पीड रुक जाती है, आगे जाकर स्पीड नहीं बढ़ती है। हाथों को थोड़ा सा यहाँ से पीछे से थोड़ा सा उठा के रखना है। ये जो दोनों पोजिशन दिख रही हैं आपको, थोड़ा सा ऊपर रखना है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना, बस नीचे नहीं चिपके रहे हैं आपके हाथ, थोड़ा सा उठा के रखना है और इस तरह से हाथ रखने हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात है स्पेस की। काफ़ी लोग क्या करते हैं, स्पेस देते टाइम लेफ्ट वाला अंगूठा यूज़ करते हैं। आपको लेफ्ट अंगूठा यूज़ नहीं करना है। अगर आपकी पहले से आदत हो चुकी है कि आपका लेफ्ट अंगूठा ही यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वही चलने दो। बाकी अगर आपकी शुरुआत है तो शुरुआत से आदत अच्छी रखना। आपको जो स्पेस में अंगूठा यूज़ करना है तो वो राइट हैंड वाला अंगूठा यूज़ करना है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, यही करना है तो बस यही करना है, ये नहीं करना, बात खत्म। एक सिंगल अंगूठा यूज़ करना है जब भी हम टाइपिंग करेंगे, तो ये तो चलना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आपका यही अंगूठा स्पेस में काम आना चाहिए। इस तरह से हाथ रखने हैं, नीचे से इनको चिपकाने नहीं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होम रो के बारे में। टाइपिंग में आपके होम रो होती है, जो ASDF ये वाली जो लाइन है, इसे हम बोलते हैं होम रो। होम रो के ऊपर जो आपके अपर रो है, जैसे QWERT ये, और इसके नीचे जो वाली है वो बॉटम रो है, तीनों रो हैं। अभी हम केवल होम रो के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारे टाइपिंग का फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे हम सारी टाइपिंग कवर करके चलेंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करना, स्पीड एक नंबर हो जाएगी आपकी, स्पीड की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं बताऊँ वैसे करना और टाइपिंग में थोड़ा टाइम भी देना। अब आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपको हाथों को होम रो पे रखना है। जैसे ये उंगली रहेगी ए, ये एस, ये डी एफ, ASDF, इस तरह से उंगलियों को रखना है। फिर इधर इनको रखना है सेमी कोलन, LKJ, इस तरह से रहेंगी। ये रहेगी सेमी कोलन पे, ये L, ये KJ, सेमी कोलन LKJ, इस तरह से हाथों को रखना है। पीछे चिपकाना नहीं है बिल्कुल, थोड़ा सा ऊपर रखना है हाथों को, इस तरह से हाथों को रखना है। अब हम इस तरह से प्रेस करेंगे ASDFGF, इससे A, इससे SDF, फिर इससे GF, ASDFGF, फिर सेमीकोलन LKJH दे। अब हम टाइपिंग इस तरह से करेंगे, हाथों को ऐसे रखेंगे ASDFGF स्पेस सेमीकोलन LKJHJ, ये वाली आएगी A, फिर ये SDF, फिर ये GF, जो इंडेक्स फिंगर है ये G को दबा के वापस F पे आएगी। ऐसे इस तरह से करेंगे, स्पेस मार के सेमीकोलन LKJ। अब ये वाली इंडेक्स फिंगर हमारी HJ पे जाके वापस आएगी, ASDFGF स्पेस सेमीकोलन LKJHJ, ASDFGF स्पेस सेमीकोलन LKJHJ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसी तरह से आपको टाइपिंग करनी है। इस तरह से आपको सुबह 1 घंटे टाइपिंग करनी है, शाम को 1 घंटे टाइपिंग करनी है।
रेगुलर टाइपिंग करनी है, एमएस वर्ड पे आपको लिखना है, एमएस वर्ड पे टाइपिंग करनी है, किसी सॉफ्टवेयर पे आपको टाइपिंग नहीं करनी है। एमएस वर्ड ओपन करना है, ओपन करते ही सीधे ही आपको इस तरह से टाइपिंग करनी है। सुबह एक घंटे करो, शाम को एक घंटे करो। जब आपके हाथ बहुत अच्छे चलने लग जाएं, स्पीड से हाथ चलने लग जाएं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये मैंने अच्छे से सीख लिया, उसके बाद में हम अगली क्लास में आगे की चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले ये आप कवर करके चलो। दूसरी बात दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, अपना दिमाग मत लगाना, स्पेस इसी से यूज करना, यही हैबिट डालना। अभी से आप टाइपिंग करते हो, एग्ज़ाम तक बहुत अच्छी सिखा दूंगा तरीके से करना। इसमें ये मत सोचना कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, नौकरी लगनी है तो सब कुछ होगा। अगर आप नौकरी लगना चाहते हो, आप में है कि यार मैं लग सकता हूँ, सब कुछ कर सकते हो, और नहीं लगनी तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। एक घंटे दो घंटे टाइपिंग करने से कोई नहीं थकता है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हाथों का काम है, थोड़ा बहुत दर्द होगा लेकिन धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी इसकी भी आपको। जिनकी स्पीड अच्छी है, पहले से 35-40 की स्पीड आ चुकी है उनकी, वो सोनवा पे टाइपिंग कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन टाइपिंग करना चाहते हो तो आप typingway.com नाम से एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन जाना आप यूसी ब्राउज़र गूगल जहाँ पे भी आप लिखना typingway.com, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हिंदी की टाइपिंग कर सकते हो, इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हो, टाइम चूज कर सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट। टाइम चूज करने के बाद में जैसे ही आप टाइपिंग करते हो, यहाँ पे सामने वर्ड आते रहेंगे आपके, और जैसे आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आपको आपके नंबर भी बताए जाते हैं, आपकी रैंक भी बताई जाती है, आपकी स्पीड भी बताई जाती है, सब कुछ यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो आप यहाँ भी टाइपिंग कर सकते हो, typingway.com है, यहाँ पे आप अच्छे से टाइपिंग कर सकते हो, अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ भी आप ट्राई करके देख लेना। बाकी अगली क्लास में मैं टाइपिंग के बारे में आपको और बताऊँगा, हाईकोर्ट LDC की कंप्लीट टाइपिंग के बारे में सारी चीज़ें बताकर चलूँगा, टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है। अभी से शुरुआत कर रहे हो तो अच्छे से शुरुआत करना, कीबोर्ड नहीं है तो कीबोर्ड लेकर आ जाना। थैंक यू।